बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी तो आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ बादामी कौरमा, जो खाने में बहुत मज़ेदार होता है। जिसके लिए यहाँ हमने गोश्त ले लिया है 3 पाव, और ये साथ ही साबुत गरम मसाले ले लिए, थोड़े से तेज़पात ले लिया है हमने 2 अदद, थोड़ा से साबुत गरम मसाले लिए, 1 टीस्पून लिया है हमने सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही यहाँ 6 से 7 हमने मीडियम साइज की प्याज ली है और उसे बारीक कट कर लिया है। 1 प्याली ली है हमने दही, उसे अच्छी तरह फेंट लिया है। 1/2 प्याली ली है हमने घी, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है यहाँ 2 टीस्पून, और चूंकि ये बादामी कौरमा है तो यहाँ 2 टीस्पून हमने बादाम पीस लिए हैं, और 6 से 7 हमने साबुत रखे हैं। पिसा हुआ धनिया लिया है 2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, और ये है जायफल जावित्री पाउडर, ये हमने लिया है 1 टीस्पून, सॉल्ट लिया है 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर लिया है हमने 2 टीस्पून। चलिए अब आइए इसको स्टार्ट कर बाउल ले लेते हैं। उसमें पहले हम दही निकाल लेते हैं ताकि हम गोश्त को मैरिनेट करने के लिए रख दें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ऐड कर देंगे गोश्त और इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारे स्पाइसेस गोश्त में अच्छी तरह शामिल हो जाएं। यहाँ पर हमने गोश्त को मैरिनेट कर लिया है, अब इसे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रख देते हैं। चलिए आइए फिर बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में घी ऐड कर लिया है, इसे अच्छे से गरम कर लेते हैं। पहले यहाँ घी गरम हो रहा है, चले हम इसमें ऐड करते हैं प्याज जो हमने बारीक स्लाइस में कट करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत अच्छे से इस पर गोल्डन कलर आ जाए जब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देखें यहाँ पर प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। जी तो यहाँ पर हम प्याज निकाल लेंगे क्योंकि अच्छा सा गोल्डन हो चुकी है ये, इस फ्लेम ऑफ करके आराम से पहले हम प्याज निकाल लेंगे। जी तो देखिए ये प्याज यहाँ पर हमने ब्राउन करके निकाल ली है, चले अब इसमें गोश्त ऐड करते हैं। इसे मैंने प्याज गोल्डन फ्राई करके निकाल ली है, अब इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कि जो हमने मैरिनेट करके रखा था गोश्त, ये तकरीबन 1/2 घंटा हो गया है इसे, अब ये इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी तो यहाँ पर हम 1 से 2 मिनट तक के लिए गोश्त को अच्छे से भून लेते हैं। इसे अच्छे से 1-2 मिनट तक के भून लेंगे ताकि सारे मसाले गोश्त में अच्छी तरह शामिल हो जाएं। और जी तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए, चलें आप इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देते हैं। जी तो यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया है, अब इसे तकरीबन 30 से 40 मिनट गलने के लिए रख देते हैं कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम। जी तो यहाँ पर 30 से 40 मिनट हो गए हैं गोश्त को गलते हुए, और पानी देखिए यहाँ पर ड्राई हो चुका है। चलिए अब इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर गोश्त अच्छे से भून चुका है, अब इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और जो हमने ब्राउन की थी प्याज उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, अब वो इसे इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। जी तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे, जितना हमें शोरबा चाहिए उतना हम पानी शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पर हमने 1/2 गिलास पानी डाल दिया है, अब लो फ्लेम पर हम इसको 5 से 10 मिनट तक के दम के लिए रख दें। जी तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखें इस तरह दानेदार इसका टेक्सचर
चेक कीजिए आप। तो यहाँ पर हमारा बादामी कौरमा रेडी है, फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका दानेदार। तो यहाँ पर रेडी है हमारा बादामी कोरमा। तो चलें थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये बादामी है तो हम इसके ऊपर भी थोड़े से बादाम लगाएंगे। साथ ही थोड़ी सी डाल देंगे कट की हुई बारीक अदरक, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कोरमे में। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी बादामी कोरमा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।